दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एफएल इंडिया कंपनी के बारे में। दोस्तों इस कंपनी के नतीजे आने वाले हैं क्वार्टर फोर के। दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि नतीजे कैसे रह सकते हैं। दोस्तों मैं आपको इस कंपनी का एक छोटा सा ओवरव्यू भी देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैंने इस कंपनी के बारे में काफी सारी डिटेल्स को देखा, मुझे कंपनी काफी अच्छी लगी। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में काफी कुछ शेयर करने वाला हूं इस कंपनी से रिलेटेड, और आपको एक्सपेक्टेड नतीजे क्वार्टर फोर में जो रह सकते हैं वो भी बताऊंगा। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इसका चार्ट पैटर्न दिखाता हूं। आप देखेंगे कंपनी अगस्त 2019 से एनएसई पर लिस्ट हुई है। तब से अब तक कंपनी ने आप देख सकते हैं 522% के बहुत ही जबरदस्त रिटर्न अपने निवेशकों को बनाकर दिए हैं। दोस्तों आप देखेंगे दिसंबर 2020 में ईयर ऑन ईयर पर जो नतीजे आए थे उसमें आप देख सकते हैं रेवेन्यू में तकरीबन 60% की बढ़त देखने को मिली थी। वहीं आप देखेंगे ईपीएस में 40% की और नेट इनकम में 42% के आसपास की बहुत ही शानदार बढ़त देखने को मिली थी। दोस्तों कंपनी आप देख सकते हैं अपने नतीजे 29 मई 2021 को क्वार्टर फोर के पेश करने वाली है। दोस्तों अब मैं आपको बताता चलूं, आपके सामने आप देखेंगे इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। आप देख सकते हैं 65% के आसपास की हिस्सेदारी प्रमोटर्स के पास है, जिसमें एक भी शेयर गिर भी नहीं है। और दोस्तों मैं आपको दिखा दूं तकरीबन 13% के आसपास की हिस्सेदारी जो है वो आम निवेशकों की, रिटेल निवेशकों की है इसमें। दोस्तों कंपनी की और भी डिटेल्स मैं आपको दिखाता चलूं, इसमें आप देख सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर में रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट और आप देख सकते हैं ईपीएस में काफी शानदार तरीके से बढ़त देखने को मिली है। इसके अलावा आपको और चीज देखना है, आप देख सकते हैं कंपनी के रिजर्व कितने ज्यादा शानदार हुए हैं 3 साल के अंदर। आप देख सकते हैं 140 करोड़ के रिजर्व कंपनी के पास इस टाइम मौजूद हैं। कंपनी के पास शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म के अंदर किसी भी तरीके का कोई भी कर्जा नहीं है। दोस्तों आप देख सकते हैं कंपनी के पास 114 करोड़ के आसपास का कैश भी मौजूद है, यानी कि ओवरऑल अगर इसकी बैलेंस शीट भी देखें तो बहुत ही शानदार नजर आती है। दोस्तों बहुत ही अच्छी और बहुत ही शानदार कंपनी है। कंपनी का बिजनेस क्या है आप समझ सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर मैं आपको दिखा देता हूं। मोबाइल एडवर्टाइज का बिजनेस है ये, पब्लिशर और जो एडवर्टाइजर होते हैं उनको कनेक्ट करने का काम करती है। दोस्तों आप देख सकते हैं कंपनी काफी पुरानी है, 1994 की कंपनी है, आप जैसा कि देख सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको ओवरऑल काफी सारी चीजें बताई हैं, आप देख सकते हैं कंपनी अपनी बैलेंस शीट के हिसाब से ईपीएस, नेट प्रॉफिट, बाकी और चीजों के मुताबिक काफी ज्यादा शानदार नजर आ रही है। दोस्तों मैं अब आपको बताता चलूं इसके एक्सपेक्टेड नतीजे जो रह सकते हैं। दोस्तों एक्सपेक्टेड नतीजे में जो ईपीएस अर्निंग पर शेयर है 9.70 रह सकता है, वही जो इसका जो रेवेन्यू है तकरीबन 140 करोड़ रह सकता है। दोस्तों 140 करोड़ का रेवेन्यू और 9.70 का ईपीएस रह सकता है। दोस्तों मैं आपको बताता चलूं दिसंबर 2020 में जो ईपीएस था वो 12.04 था, और अब जो ईपीएस रह सकता है वो 9.70 रह सकता है, यानी कि एक भारी गिरावट देखने को मिल सकती है क्वार्टर ऑन क्वार्टर में। वही रेवेन्यू 150 करोड़ था आप देख सकते हैं दिसंबर 2020 में, और अभी 140 करोड़ के आसपास रह सकता है, यानी कि 10 करोड़ रेवेन्यू कम रह सकता है दिसंबर 2020 के मुकाबले, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि ईयर ऑन ईयर पर रेवेन्यू और ईपीएस में काफी शानदार बढ़त देखने को मिल सकती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मार्च 2020 में जो ईपीएस था वो 6.1 था, और अब रह सकता है 9.70, तकरीबन 60% के आसपास की बढ़त हमको ईपीएस में देखने को मिल सकती है। तो जो रेवेन्यू वो तकरीबन 75% तक बढ़ सकता है। दोस्तों आप देख सकते हैं जो मार्च 2020 में रेवेन्यू था वो तकरीबन 80 करोड़ था, और अब जो मार्च 2020 बंद में रह सकता है वो तकरीबन 140 करोड़, यानी कि तकरीबन 75% की जंप हमको रेवेन्यू में देखने को मिल सकती है, यानी कि 60% तक ईपीएस ईयर ऑन ईयर पर बढ़ सकता है। और वहीं आप देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर पर रेवेन्यू तकरीबन 75% बढ़ सकता है, यानी कि ईयर ऑन ईयर पर नतीजे काफी शानदार रहने की उम्मीदें हैं, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर में गिरावट देखने को मिल सकती है। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो।